Hi everyone, I am Simran and you are watching Beauty and Blush by Simran. So today we are talking about how to look presentable within 5 minutes. So as you all know that CTM is very important for our skin. So सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ TNW का रोज़ वाटर, उसके बाद मैंने TNW का ही मॉइस्चराइज़र लिया है और उसे अच्छे से मैं अपने स्किन में मसाज कर रही हूँ और रिलैक्स भी कर रही हूँ। Using primer is a very important thing before makeup. So सबसे पहले हमें मेकअप करने से पहले प्राइमर लगाना होता है। जो मैं प्राइमर यूज़ कर रही हूँ वो इनसाइड कॉस्मेटिक्स का प्राइमर है। ये एक हमारे स्किन पे स्मूथ सी लेयर क्रिएट करता है। हमें इसे मसाज नहीं करनी, सिंपल सा एक अपने फेस में स्प्रेड करना है, दैट्स इट। अब मेरे फेस में थोड़ी पिगमेंटेशन है लाइक अंडर आइज के नीचे, तो उन्हें हाइड करने के लिए मैं यूज़ करती हूँ कंसीलर। कंसीलर आप शुगर का भी ले सकते हैं, फॉरएवर का भी ले सकते हैं, दोनों ही रीजनेबल प्राइस में हैं और बहुत अच्छे हैं। तो मैंने अभी फॉरएवर का कंसीलर लिया है, फॉरएवर 52 का, और उसे मैंने सिर्फ अपनी अंडर आइज के नीचे लगाया है और उसे अपनी अपर आइज पे भी थोड़ा सा ब्लेंड कर दिया है। अब मैं ले रही हूँ मेबलिन की लिपस्टिक। लिपस्टिक यानी कि ये बहुत लाइट कलर है, लेकिन लिपस्टिक तो हम डेली में वेयर करना पसंद करते हैं। तो मैंने लिपस्टिक को एज अ ब्लशर यूज़ किया, एज अ थोड़ा सा आइज पे अपने पिंक इफेक्ट देने के लिए यूज़ किया, और मैं इसको अपने लिप्स पे भी लगाऊंगी। Now I am using loose powder from Forever 52 ताकि हमारा फेस जो है ना वो एकदम even लगे। like हमने concealer भी लगाया है, थोड़ा सा blusher भी लगाया है, मतलब lipstick से ही लगाया है but लगाया है, तो ये even लगना चाहिए। ऐसे नहीं लगना चाहिए कि हमने ऊपर से कुछ लगाया, ये हमारा natural लगना चाहिए, हमारा skin का part लगना चाहिए। तो इसे मैं लगा रही हूँ। फिर इसके बाद अच्छे से पूरे फेस पे लगाने के बाद हम करेंगे मस्कारा। मस्कारा जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो फॉरएवर 52 का है। यही एक अच्छा इफ़ेक्ट देता है हमारे फेस को। मस्कारा लगाना तो ऐसा लगता है कि हाँ बनता ही है यार। सो यार, हेयर माई लुक इज़ कम्प्लीट। इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।